अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग हेल्दी हैप्पी एंड फिट होंगे। आज की सिचुएशन में फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें अच्छी अच्छी डिश खानी होगी। तो आज मैंने मलाई टिक्का की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मलाई टिक्का बनाई थी तो उसके लिए हरा धनिया लीजिए थोड़ा, और काजू और हरी मिर्ची, इसका हमें पेस्ट कर लेना है। और चिकन का जो है मैंने अच्छी तरीके से धोकर पानी ड्रेन कर ली हूँ। अगर आप बोनलेस ले तो बोनलेस ले भी सकते हैं, या फिर हड्डी वाला भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। उसमें अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट डालना है। और ये जो दही है ना, इसको मैंने ना छन्नी में कपड़ा रख के उसके ऊपर रखी थी दही, और उसका पानी पूरा ड्रेन कर ली थी। 2 घंटे तक ऐसे ही रखी थी उसको, तो पानी पूरा ड्रेन हो गया था, उसको हंग कर्ड बोलते हैं। और ये जो है जो हमने अभी मसाला पीसे हैं, हरा धनिया, कोतमीर हरी मिर्ची और काजू का पेस्ट है, वो हमें इसमें ऐड करना है, और नमक, और उसके बाद और भी मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं। ये है ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच अभी ऐड करना है, और फिर बाद के लिए भी रखना है। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर आधा अभी डाली हूँ, आधा बाद में डालूंगी। काली मिर्च का पाउडर आधा अभी डाली हूँ, आधा बाद में के लिए रखना है हमें। और चाट मसाला डालना है, और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बस इतने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अच्छी तरीके से, और फिर हमें फ्रिज में इसको मैरिनेट करना है 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा है, अगर आपको शाम में बनाना है इफ्तार के वक्त, तो आप है ना दोपहर के टाइम पे भी मैरिनेट करके रख सकते हो फ्रिज में। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन के अंदर तक, मसाला उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है चिकन। अब आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ। मैंने कढ़ाई के अंदर ये 1 चम्मच घी डाली हूँ, आप बटर भी यूज़ कर सकते हो, ऑप्शनल है, घी बटर दोनों में एक ही टेस्ट आता है। और उसी चम्मच से 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड करी हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, छोटा सा चम्मच है ये, इसमें इतना ही, देखिए इतना ही डालना है। अब इसमें जो है ना इसको गर्म कर लेना है, और जो चिकन हमें मैरिनेट करके रखा हुआ है ना फ्रिज में, उसको इसमें एक एक करके हमें अच्छी तरीके से रखना है अरेंज करके। फिर इसको जो है हमें ढककर 5 मिनट तक इसी तरीके से पकाना है, फिर ढक्कन खोल के इसी के पानी में हमें पकाना है, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। फिर ढक्कन खोल के जो है हमें दूसरी साइड से पकाना है, यानी कि चिकन अच्छी तरीके से अंदर तक कुक हो जाना चाहिए, उस हिसाब से हमें पकाना है चिकन को। और फिर अभी देखिए आगे का मैंने प्रोसेस मैंने क्या क्या करी थी। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरा चिकन का पानी सूखा लेना चाहिए, और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ये एक एक पीस करके आप जो है ना लीजिए चिमटे की मदद से या फोक की मदद से, और उसको जो है ना हमें गैस पर भूनना है। ये देखिए इस तरीके से हमें गैस पर एक एक पीस को भून कर कढ़ाई में ही रखना है, जिस कढ़ाई में हमने चिकन बनाए थे ना उसी कढ़ाई में रखना है। और फिर उसके बाद जो है हमें एक कटोरी रखना है, और उसके अंदर कोयला डालना है जला हुआ, और फिर उसके ऊपर हमें ऑयल डालकर 1/2 घंटे के लिए ढक देना है। तो उससे क्या है ना चिकन के अंदर स्मोकी फ्लेवर आएगा। उसके बाद ये मलाई लीजिए, कोई भी मलाई आप यूज़ कर सकते हो, घर की भी मलाई यूज़ कर सकते हो, या अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद